प्रसिद्ध रस्म रथ परिक्रमा का शुभारंभ हो चुका है। इस रस्म में बस्तर के आदिवासी हाथों से ही पारंपरिक औजारों द्वारा बनाए गए विशालकाय रथ की शहर परिक्रमा कराई जाती है। करीब 40 फीट ऊंचे और कई टन वजनी इस रथ को परिक्रमा हेतु खींचने के लिए सैकड़ों आदिवासी स्वेच्छा से पहुंचते हैं। परिक्रमा के दौरान रथ पर माई दंतेश्वरी के छत्र को विराजमान कराया जाता है। बस्तर दशहरे की इस अद्भुत रस्म की शुरुआत 1410 ईस्वी में तात्कालिक महाराज पुरुषोत्तम देव ने की थी। महाराजा पुरुषोत्तम ने जगन्नाथपुरी जाकर रथपति की उपाधि प्राप्त की थी, जिसके बाद से अब तक ये परंपरा अनवरत इसी तरह चली आ रही है। ये विश्व प्रसिद्ध दशहरा है। मैं नहीं समझता कि विश्व में इस प्रकार का कोई इतना दो मंजिला रथ का परिचालन किया जाता है। बस्तर दशहरा काचंगादी से शुरू होता है, जो कि पितृपक्ष के अमावस्या के दिन होता है। उसके दूसरे दिन प्रतिपदा के दिन कलश स्थापना और जो भी बिठाई की रस्म होती है, फिर खूब रथ का परिचालन होता है। महाराजा साहब के शासन काल से ही ये रथ परिक्रमा की परंपरा है। हमें गर्भ से माई दंतेश्वरी देवी के छत्र को निकालते हैं, सब माजी मेम्बरी सब रहते हैं, बाजे गाजे के साथ विशेष बाजा होता है जिसको मुंडा बाजा कहते हैं। विशेष वो गांव है, उस गांव के लोग उस बाजे को बजाते हैं। माजी मुखिया साथ में होते हैं, प्रशासन प्रशासन होता है, गणमान्य शहर के नागरिक होते हैं, प्रबुद्ध जन होते हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं, सभी के साथ माई दंतेश्वरी देवी के छत्र को लाया जाता है। एक तरह प्यार की ताकत ही कुछ और होती है।